प्यारे स्टूडेंट्स एवं मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीजगणित अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। यानी कि इसमें मैं जीरो से लेकर एडवांस लेवल पर बताऊंगा। और ये वीडियो मैं एक स्टूडेंट के डाउट पे बना रहा हूँ जो क्लास फाइव में है। तो अब वो क्लास सिक्स में जाने वाला है, तो उनको अलजेब्रा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बच्चे के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये बड़े मतलब कि सीनियर पर्सन भी इसको देखेंगे, हाई क्लास के स्टूडेंट भी, तो उनको समझ में आएगा। ठीक है, मैं ऐसे सोचा था इसे बोर्ड पे बताऊँ, लेकिन ये लंबा वीडियो बन सकता है, तो ज़्यादा एमबी या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम कारण ऐसी स्क्रीन रिकॉर्डर करके ही और मैं आपको बना रहा हूँ। ठीक है, तो बीजगणित जानने से पहले और एक और बात करना चाह रहा हूँ कि वीडियो आपको स्पीड स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिएगा, फास्ट लगे तो स्लो कर लीजिएगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और यह यकीन मानिएगा कि मैं जो बताऊँगा आपको 100% समझ में आएगा। और ऊपर से कि मैं आपसे पढ़ाई से रिलेटेड बात करूँगा और ठीक है, और अलजेब्रा से टॉपिक से रिलेटेड बात करूँगा, पूरा जीरो से लेकर हाई तक बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। तो अब बात करते हैं हम कि मैथ में आखिर हम लोग पढ़ते क्या हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप मैथ में पढ़ते क्या हैं, तो इनका जवाब होगा कि मैथ में हम लोग तीन चीज़ पढ़ते हैं। क्या चीज़ पढ़ते हैं? तीन चीज़ पढ़ते हैं मैथ में हम लोग। क्या चीज़ पढ़ते हैं? तो तीन चीज़ पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं नंबर के बारे में, दूसरा शेप के बारे में, और तीसरा है लेटर के बारे में। ठीक है, यानी कि इतने चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसमें? मैथ के अंतर्गत में। नंबर आप जानते ही हैं, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से रहता है नंबर, हट गया कोई बात नहीं, साइड में बैक लगा हुआ है ना इस कारण, फिर से मैं बना देता हूँ। मैथ में क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं? तो तीन चीज़ पढ़ते हैं, नंबर के बारे में और शेप के बारे में, और तीसरा है लेटर के बारे में। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आराम से देखते जाइए आपको समझ में आएगा। तो मैथ में हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, नंबर जैसे कि 1 2 3 4 इस टाइप से, यही नंबर होता है ना। नंबर जैसे आप लोग बोलते हैं मोबाइल नंबर बोलिए, तो मोबाइल कोई नंबर ही बोलते हैं ना, और ये नंबर तो अनगिनत है। ठीक है, मतलब एक जीरो से स्टार्ट करते हो, एक से स्टार्ट करते हो, करोड़ों अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन करते हुए मतलब कई संख्या तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर हो गया, तो मैथ में इसका तो अध्ययन करते ही हैं, मतलब इसी संख्या से रिलेटेड आप करते हैं। क्या करते हैं उसमें? नंबर को लेकर जोड़ देते हैं, या नंबर को गुना कर देते हैं, या नंबर में भाग कर देते हैं, यानी कि इसी जो नंबर है, बहुत सारे नंबर इसी के आपस में जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। तो ये नंबर साथ अध्ययन करते हैं, तो इसको बोला जाता है अर्थमैटिक। क्या बोला जाता है? अर्थमैटिक, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं ना, क्यों बार बार हट जा रहा है, नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको बोला जाता है अर्थमैटिक। क्या बोला जाता है? अर्थमैटिक। अर्थमैटिक का हिंदी होता है आपको बीजगणित। क्या होता है? सॉरी, अर्थमैटिक का हिंदी होता है अंकगणित। क्या होता है? अंकगणित। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मैथ हम लोग नंबर के बारे में पढ़ते हैं, नंबर में ये सब एक से लेकर अनगिनत तक जाते जाता है, इसी में हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, मेनली यही करते हैं ना, तो ये सब को हम लोग जो अर्थ में मैथ का जो भाग है अंक गणित उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इधर समझिए, इसके बारे में और डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अलजेब्रा पे वीडियो बना रहा हूँ, इसकी पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि मैं आपको अर्थमेटिक बताऊँ, मतलब ये समझ सकते हैं कि इसमें अंक के बारे में अध्ययन किया जाता है, अंक से रिलेटेड पढ़ाई की जाती है। ठीक है, इसमें आपको आगे चल कर आपको है कि बहुत सारा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा,
जैसे अनुपात संपात मिलेगा, लाभ हानि प्रतिशत, पार्टनरशिप, समय दूरी, समय काम, ये सब बहुत सारा चैप्टर इसमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको अर्थमेटिक नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है, अलजेब्रा। लेकिन इससे पहले एक और बात कर लेता हूँ, जिसमें हम लोग सेप का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सेप का। अब सर सेप क्या होता है? सेप का हिंदी होता है आकृति। क्या होता है? आकृति। अब सर आकृति क्या होता है? आकृति आप देखते हैं ना, अपने आप चारों तरफ कोई ना कोई वस्तु दिखाई देता है। अरे सब कुछ तो वस्तुएं हैं, तो उसका कुछ प्रॉपर आकृति तो आपको दिखाई देता होगा, मतलब कोई किस रूप का है। जैसे मैं अपने सामने एक गेंद देखता हूँ, तो गेंद कैसा? गोल है। तो गोल को क्या बोलते हो आप? सर्किल बोलते हो, ठीक है, या स्फीयर बोल सकते हो। सर्किल का हिंदी होता है वृत्त, और स्फीयर का हिंदी होता है गोला। तो गेंद देखते हो तो एक्चुअल में वो स्फीयर है, गोला है। क्या है? गोला है। ये सब आकृति है, इसके बारे में आप पढ़िएंगे पढ़ेंगे, ठीक है। सर्किल जैसे चूड़ी देखते हो, तो चूड़ी क्या है? वो भी गोल टाइप का है, ठीक है, तो वो क्या है? उसको वृत्त बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आप शेप देखते हो, जैसे कि क्या हो गया, जैसे आप देखते होंगे जैसे सिलेट बॉक्स देखते होंगे। सिलेट बॉक्स जैसे ऐसे चार खंड रहता है, या फिर देखते होंगे जैसे कोई ऐसा रहता है, या फिर देखते होंगे कोई स्टेप्स रहता है, कोई इस टाइप से रहता है। आइसक्रीम खाते हो ना, या होली में इस टाइप से टोपी पहनते हो ना, तो बहुत सारे आकृति आप देखते होंगे। तो उस आकृति का हम किसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं ना, उसको ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है। यानी कि तीन पार्ट बताया हूँ कि मैथ हम लोग नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको अर्थमेटिक के अंतर्गत करते हैं। आपको नंबर के बारे में पढ़ना है तो अर्थमेटिक आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। अर्थमेटिक के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन आप चाहते कि नहीं जो आकृति है उसका लंबाई चौड़ाई ये सब के बारे में अध्ययन करें, आकृति के बारे में जानकारी लें, तो उसके लिए आपको ज्योमेट्री बोलते हैं उसका, ज्योमेट्री या ज्यामिति अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये सब आकृति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आयत के बारे में, आयत रेक्टेंगल, ठीक है, ये सब जानते होंगे हल्का फुल्का आप, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जैसे कि आमने सामने की साइड बराबर होती है, उसको हम लोग रेक्टेंगल आयत बोलते हैं। यानी कि ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, ये सब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री कोण पे होता है। तो ये सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल हो, इसका लंबाई चौड़ाई, नियम उम, इससे रिलेटेड जो भी पढ़ते हो वो ज्यामिति के अंतर्गत आप पढ़ते हो, ठीक है, समझ गए। ऐसे ज्यामिति का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, जैसे ज्यामिति लिखने पर मेरे बार बार ऐसी आ रहा है, कोई बात नहीं है। ज्यामिति इंग्लिश भी लिख देता हूँ, क्या लिख ही देता हूँ, ठीक है, ये इसका इंग्लिश होता है। ज्यामिति का मतलब होता है जया, मतलब आकार, आकृति, अमिति मतलब होता है माप, आकार की माप। किसी भी आकृति आपको दिखाई दे रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि उसका आकार का माप हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो ज्यामिति जब कहिएगा तो स्टार्ट करेंगे, अभी तो बहुत पैकेट भी ढीला है, सिस्टम भी ढीला है, सब कुछ इसलिए बोर्ड पे नहीं आके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मोबाइल पे ही कर सकते हैं, व्यवस्था है यहीं पे, ठीक है। चलिए अब बताता हूँ आपको मैं, अब आते हैं अलजेब्रा, जिसके लिए आप बेचैन हैं, सॉरी बेचैन नहीं, मतलब कि उत्साहित हैं। अलजेब्रा, अलजेब्रा का हिंदी आप जानते हैं बीजगणित, ठीक है। आप ऐसा थोड़ी नहीं बोल सकते कि सर आप बोले हैं कि अंक गणित, जिस अर्थमेटिक का हिंदी बोले हैं अंक गणित, यानी कि जिसमें अंक के बारे में पढ़ा जाता है, और ज्यामिति बोले हैं कि ज्यामिति यानी कि जिसमें जाया यानी कि किसी भी आकृति के आकार की बारे पढ़ा जाता है, तो उसमें बीज गणित तो सर बीज के बारे में तो नहीं पढ़ा जा रहा है, यहाँ बीज गणित बीज के बारे में नहीं है। अलजेब्रा में एक्चुअली हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो है आपको ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड। ए टू जेड मतलब सर कैपिटल लेटर? नहीं नहीं, आपको अलजेब्रा में ए टू जेड यानी कि कैपिटल लेटर, बड़का ए बी सी डी वाला, बड़का ए से लेकर बड़का जेड तक, ठीक है। फिर छोटका ए बी सी डी भी अध्ययन करते हैं, क्या क्या अध्ययन करते हैं मैं लिख देता हूँ,
स्क्रीन छोटा है ना, इसलिए मिटाना पड़ रहा है बार बार। तो हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा में बड़का एबीसीडी लेकर छोटका एबीसीडी, कुछ सिंबल होता है सिग्मा अल्फा बीटा गामा, ठीक है, मतलब बड़का एबीसीडी जो बोलते हैं कैपिटल लेटर उसका अध्ययन करते हैं, छोटका एबीसीडी यानी कि स्मॉल लेटर उसका अध्ययन करते हैं, और कुछ सिंबल होता है अल्फा बीटा गामा थीटा करके उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अभी तक आपको अलजेब्रा कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ ताकि आपको अलजेब्रा का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। ऐसे में भाषण देने के लिए बोल सकता हूँ कि अलजेब्रा का उपयोग बहुत सारा होता है, और ये अलजेब्रा है ना आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे ये क्लासिक से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको क्लास सिक्स में भी थोड़ा मिलेगा, क्लास सेवन में भी मिलेगा, क्लास एट में भी मिलेगा, नाइन में, टेन में, एलेवन में, ट्वेल्थ में, और आगे चलते कि एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसमें तो पीछा छोड़ने वाला है नहीं, कॉम्पिटेटिव एडवांस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन तो मैं पढ़ाता ही हूँ, ऑनलाइन तो व्यवस्था है नहीं, ठीक, कोई बात नहीं है। तो अब एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि आपको समझ में कि एक्चुअल में अब जो अलजेब्रा होता क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट से, बताइए ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में हम कितना रुपया डालें कि ये जो है ना 10 के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये सर इसमें है ना 5 पे डालेंगे ना, और इस पर 5 पे जोड़ रहे हैं तो 10 पे हो जा रहा है। तो कहेंगे अच्छा, मतलब ये बॉक्स में कितना रुपये डाले कि उसमें फिर 5 जोड़ा जाए तो 10 रुपये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या डाला जाए, मतलब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि इस जो यहाँ पे क्या डाला जाए कि ये जो ये समीकरण बन रहा है, समीकरण क्या होगा आगे बताऊँगा, ये जो बन रहा है वो 10 के बराबर हो जाए। तो आप कहें सर इतना ईजी सा सवाल, इसमें 5 डालिए ना तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ये बॉक्स के जगह पर हमें क्या कर सकता हूँ, कोई एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ। एक्सप्रेशन सर मतलब, एक्सप्रेशन का मतलब है कि कोई एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ, मतलब कि जैसे कोई अलजेब्रिक टर्म यानी कि ए बी सी डी में का या बड़का ए बी सी डी में का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक्स लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एक्स खिंचा गया क्या, ठीक है, यहाँ पर मैं एक्स लिख दे रहा हूँ, वो क्या रहा है, सॉरी यहाँ पे मैं एक्स लिख दे रहा हूँ। अब मैं कहूँगा कि एक्स के जगह पे क्या डालूँ से ये बराबर हो जाए। पहले तो यहाँ बॉक्स था, आप आसानी से बता दिए कि हाँ हाँ इस बॉक्स में आप 5 रुपये डालिएगा ना या 5 डालिएगा तो ये बराबर हो जाएगा, ये समीकरण बन रहा है इक्वेशन वो बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बॉक्स पर एक्स लिख दिया हूँ, ये छोटा एक्स है, ठीक है। तो क्योंकि बच्चा को पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बेसिक टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स डाल दिया हूँ, अब ये हो गया एक्स प्लस 5 बराबर 10। अब मैं कहूँगा कि इस एक्स की जगह क्या डालूँ से ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स था बता दिए कि 5, अब चलिए इसी को निकालते हैं। क्वेश्चन था एक्स प्लस 5 बराबर 10, तो हमको एक्स का मान पूछेगा, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए आपको कुछ टर्म याद होना चाहिए। देखिए बीच में होता है बराबर, इधर e हो गया बाएं साइड, e हो गया दाएं साइड, ठीक है। इसको डिटेल में बताता हूँ, देखिए बीच में होता है बराबर, e हो गया दाएं साइड, सॉरी e हो गया बाएं साइड, शॉर्ट फॉर्म समझिए, इधर हो गया दाएं साइड, ठीक है। तो इधर मान लीजिए कोई प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, और बीच में तो बराबर रहेगा ही, ठीक है। तो ये प्लस जो है ना उसको अगर बराबर के उस साइड लाइएगा यानी कि बायां से दाएं लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस को फिर जो बराबर का चिन्ह दिया हुआ है ये वाला, इसको बराबर चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसको बराबर चिन्ह बोलते हैं, तो माइनस को उठाइएगा और बराबर के बाद लाइएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस को लाया है तो माइनस हो गया है, माइनस को लाया तो प्लस हो गया है,
और गुना को लाइएगा ना, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन का साइन है यानी कि गुना का, तो इसको लाइएगा तो ये भाग हो जाएगा, और घटाव को लाइए ये क्या भाग है, और भाग को लाइएगा तो हो जाएगा गुना। ठीक है, अब सुन लीजिए ध्यान से, प्लस को यानी कि जोड़ को बराबर के बाद लाइएगा तो घटाव हो जाएगा, और घटाव को लाइएगा तो जोड़ हो जाएगा, गुना को लाइएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग को लाइएगा तो गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये आपको इस्तेमाल पड़ेगा। तो ऐसा उल्टा भी हो सकता है, मतलब कि घटाव को अगर दायां से बायां ले जाइएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, घटाव से जोड़ हो जाएगा, जोड़ इधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि बराबर के एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, घटाव जोड़ हो जाएगा, जोड़ घटाव हो जाएगा, गुना भाग हो जाएगा, भाग गुना हो जाएगा। ठीक है, तो वही टर्म में बता रहा था, क्वेश्चन था आपका, क्या क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन था x प्लस 5 बराबर 10। अब हमको x का मान करा निकालने के लिए, तो यहाँ पर कहेगा सर हमको x का मान चाहिए, तो ये जो बाकी जो पार्ट है ना इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो भेजने के लिए क्या है, x बराबर करेंगे तो 10 तो लिखाएगा ही सर। देखिए ये जो प्लस 5 है ना, इसके इसके साथ प्लस जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 5 जो है प्लस में है, जोड़ में है, और इसको हम बराबर के उस साइड भेज रहे हैं, यानी कि इस साइड से इधर ला रहे हैं। ठीक है, तो इस साइड से इधर ला रहे हैं, तो क्या ये प्लस में है, जोड़ में है, तो इधर घटा में हो जाएगा। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यानी कि आप कहिएगा सर x के जगह पर हम 5 रखेंगे तो ये वैल्यू यानी कि इक्वेशन सफिशियंट यानी कि मतलब कि प्रूफ हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने x का इस्तेमाल किए हैं कि नहीं, तो यही तो अलजेब्रा है, बीजगणित है। ठीक है, बीजगणित क्या है, एक मैथ का ऐसा टर्म रहेगा जिसमें ए बी सी डी डाला रहेगा, इंटर रहेगा, मतलब यूज किया रहेगा, बड़का बी सी डी हो या छोटका बी सी डी हो या कुछ सिंबल हो। ठीक है, आप पढ़े होंगे लेकिन आप अपना ध्यान नहीं दिए होंगे, बहुत सारा ऐसा मैथ में देखिए किताब उठाकर उसमें ए बी सी डी जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते उठाते हैं हल्का सा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है एक्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप, यहाँ पे एक से वो वाई बी चलिए दूसरा कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए के इस्तेमाल कर लिए, के घटाओ 5 बराबर है 16। ठीक है, अब कह के बताइए के का मान निकालिए, अब कहिए ये सर कैसा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है आपको अलजेब्रा बीजगणित का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ए बी सी डी का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो अब के का मान निकालता, के का मान निकाल सिंपल कहिएगा सर के का रहने देंगे, बाकी सबको भेज देंगे बराबर के उस पार। ठीक है, बस उस पार जाएगा तो चीन जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा, जो रहेगा तो घटाव होगा, घटाव है तो जोड़ हो जाएगा, गुना है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो बनाते हैं इसको, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है डिजाइन ये बन रहा है, तो 4k बराबर 16 तो भाई जहाँ है वहीं रहेगा क्योंकि इधर साइड है। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब कि इधर 16 को इधर भी भेज सकते हैं, लेकिन हमको के का मान चाहिए ना, एक्चुअली हमको के का मान चाहिए, तो के का मान चाहिए, 16 को और इधर लाएंगे तो कभी भी के का मान निकलेगा नहीं, जिसका मान निकालना है उसको भाई अकेले रहना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो टर्म बचा है उसको बराबर को उस साइड यानी कि अलग साइड भेजना पड़ेगा। अब घटाव 5 है, तो घटाओ 5 है तो इधर आएगा तो क्या जोड़ 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब 16 5 को हम 21 लिख सकते हैं, इधर 4k है, सर मान निकल गया, कहाँ मान निकला, 4k का मान निकला, लेकिन हमको k का मान चाहिए, तो आपको ये सर ये 4k है, चलिए मैं इसको अब नेक्स्ट यहाँ उतारता हूँ, था हमको ये आया था 4k बराबर 21 आया था। अब तुम आप दिमाग लगाओगे तो सर k का मान क्या रखे से दोनों तरफ बराबर हो जाए, हम कहे उतना मान रखने से अच्छा है तुम के को क्या करो, ये दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, गुना का रिलेशन है। ठीक है, आगे बता रहा हूँ, इसको कॉफिशियंट बोलते हैं, दोनों के बीच गुना का रिलेशन है, यानी कि 4k है ना, 4k यानी कि ये दोनों के बीच गुना का रिलेशन, 4 × k है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में गुना का रिलेशन है, तो 4 को हटाएंगे ना बराबर के बाद भेजेंगे तो यह गुना है तो भाग में चलाएगा, यानी कि के बराबर हो जाएगा 21/4। हाँ, इसको तो तुम आप ऐसे भी लिख सकते हो 21/4।
ठीक है, तो k का मान ये निकल गया, ठीक है। चलिए अब अगला, ये तो समझ गया कि और भी है, जैसे और एग्जांपल देता हूँ जो बीजगणित का कुछ आता है, जैसे कि आप ये फार्मूला याद कीजिए करिएगा, इसको ऐसे आइडेंटिटी बोलते हैं, ए प्लस बी, ये सभी बताऊँगा मैं आगे, बस आपको झलक देने के लिए कि ये सब क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे एरिया ऑफ यानी कि स्क्वायर का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आप कहते हैं नहीं सर भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर इतना बड़ा लिखने की जरूरत क्या है? इसके जगह पर आप क्या करते हैं कि कोई ए बी सी डी का लेटर इस्तेमाल करते हैं, यानी कहते हैं कि सर ए स्क्वायर इस्तेमाल, यानी कि भुजा जगह पर ए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी अलजेब्रा क्वेश्चन हो गया। तो अलजेब्रा का उपयोग सभी जगह है, बहुत सारे क्वेश्चन को, मतलब कि आइडेंटिटी को, कंसेप्ट को, फार्मूला को दर्शाने के लिए हम लोग अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और बात बताते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, पहले मैं लिया हूँ दो, कहेगा सर ये दो क्या है? अंक है, यानी कि ये दो का मान आपको सब जगह सेम मिलेगा, कहीं भी दो लिखा रहेगा तो आप कह देगा इसका मान दो है, ये दो है, इसका वैल्यू दो है। चार लिखा रहेगा तो आप कहेंगे ये चार है, इसका वैल्यू फिक्स है, ठीक है। यानी कि इसका चार है, दो है, कहीं भी इसका मान जो दिया रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसको बोलते हैं मैथ के टर्म में कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये सब क्या कॉन्स्टेंट है, यानी कि चेंज होने वाला नहीं है, जहाँ भी रहेगा दो का दो ही वैल्यू रहेगा, चार का चार ही वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स लिखना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो समझिएगा, अपना संभालिएगा, कॉन्स्टेंट, ठीक है, ऐसे नहीं होगा मिस्टेक, कॉन्स्टेंट। इसी का हिंदी होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू का होता है, वैल्यू का छोटा रूप में लिख देता हूँ, इसका हिंदी होता है अचर मान। क्या मान? अचर मान, ठीक है। अचर मान क्या होता है और थर्ड डिटेल में बताऊँगा, पहले ये समझिए। देखिए मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, एक्स का कितना मान है बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आप बोलेंगे सर एक्स का मान पाँच है, कैसे एक्स का मान पाँच है? देखिए ये क्वेश्चन है, चार जो एक्स बराबर आठ है, तो यहाँ पे एक्स का मान चार है, कहिएगा ना सर एक्स बराबर चार है, निकाल कर भी देख सकते हैं ना, इसको उधर भेजिएगा और फिर एक्स का मान निकालिए, इसलिए तो मैंने पहले निकाल के बताया हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का मान चार है। एक और दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे एक्स का मान निकाले तो एक आएगा, अब कहिए सर यहाँ पे एक्स का मान चार आया है, यहाँ पे एक्स का मान एक आया है, ये कैसे हो गया? गजब हो गया, से अलग में दिखने को मिल रहा है, यानी कि एक्स का मान प्रत्येक जगह चेंज होते जा रहा है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन सर दो लिखे हैं, पाँच लिखे हैं, छः लिखे हैं, उसका मान आपको सब जगह समान ही आ रहा है, तो कुछ ना कुछ सर अंतर जरूर है। अच्छा, तो आप समझ गए ना कि चार एक दो तीन, यानी कि एक दो गिनती जो है वो सब अचर है, ठीक है। अचर का इंग्लिश कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम होता है नॉन वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। लेकिन आप जो ए बी सी डी में एक्स वाई ए बी सी डी देखते हैं, ठीक है, ए बी सी डी देखते हैं, तो उसका क्या है कि वैल्यू आपको प्रत्येक जगह चेंज होते जाता है, कभी एक्स का मान अलग दिखाई देगा, कभी वाई का मान अलग दिखाई देगा, ठीक है। लाइन कट गया, मैं लाइट थोड़ा जला देता हूँ, ठीक है, तो व्यवस्था करता हूँ, रुकिए आ गया। चलिए तो बताता हूँ मैं क्या बता रहा था। हाँ, तो अब एक्स की मान आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, तो अभी क्या बता रहे थे, तो देखिए एक दो है, ये सब क्या है आपको? अचर है। लोड कर रहा है। एक दो ये क्या है? सॉरी दो मिनट, तो एक्स का मान एक, सॉरी फिर से आता हूँ, ये जो एक दो तीन ये सब है, इसका मान फिक्स है, इसलिए इसको अचर बोलते हैं,
और जो ए बी सी डी में क्या है, या छोटका ए बी सी डी है, ये सब एक्स वाई ये सब है, इसका इसको चर बोलते हैं। चर का इंग्लिश होता है आपको वेरिएबल, लिख देता हूँ चाहे आपको स्पेलिंग याद रहेगा, वेरिएबल वैल्यू, यानी कि जिसका मान आपको बदलते रहेगा। चर मतलब समझिए कि कोई गाय चर रहा है, ठीक है, और चर रहा है तो समझ जाए कि चढ़ते चढ़ते कहाँ जाएगा पता नहीं, यानी कि उसका फिक्स नहीं है कि वो चढ़ते चढ़ते कहाँ चल जाएगा। तो चर से याद रखिए कि उसका मान चेंज होते जाएगा, और अचर से मान याद रखिए कि जिसका मान नहीं चेंज होता है, ठीक है। अचर का दूसरा नाम नॉन वेरिएबल वैल्यू, ठीक है, इसी में नॉन लगा देंगे तो वो अचर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इतना समझ गए। अब आते हैं फिक्स, अब आते हैं आपको अलजेब्रा का डेफिनेशन पे, एक्चुअल में अलजेब्रा बोलते किसको है, ठीक है। चलिए अब बताते हैं किसको बोलते हैं। तो देखिए, दो एक्स जोड़, दो को तो कांस्टेंट अभी बताया है ना, एक्स को वेरिएबल, और ये प्लस को क्या बोलते हैं, प्लस को बोलते हैं ऑपरेटर, हिंदी में शायद इसको संकाय बोलते हैं, ठीक है। हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, बोलते शुरू से ही आते हैं, ठीक है, या साइन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा फ्रैक्शन मतलब कि अलजेब्रा फंक्शन है, सॉरी सॉरी, मतलब बीज गणितीय जो आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा बीज गणितीय, तो उसमें आपको ये तीनों दिखाई देंगे, यानी कि अंक भी दिखाई देगा, और ये जो चर वाला वैल्यू है ये भी दिखाई देगा, और प्लस माइनस यानी कि प्लस भी दिखाई देगा, या भाग माइनस दिखाई दे, गुना दिखाई दे, भाग दिखाई दे, यानी कि जोड़ दिखाई दे, घटाव दिखाई दे, गुना दिखाई दे, भाग दिखाई दे, ठीक है। यानी कि इसका क्या रूप होगा, तीनों रूप दिखाई देगा, ठीक है। और जोड़ घटाव को यानी कि घटाव गुना भाग ये सबको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, संकाय बोल सकते हैं, ये सब क्या है, साइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ बता दिए। अब देखिए, जैसे ये आपको क्या है, ये है आपको बीज गणितीय, ये बीज गणितीय व्यक्त व्यक्त क्या होते हैं, व्यंजक है, क्या है, व्यंजक, ठीक है, व्यंजक उसको बोलते हैं, ये सब क्या, बीज गणितीय व्यंजक। इसमें क्या है कि आपको ये अचर मान है, चर मान है, ये भी अचर मान है, और ये आपको क्या है, ऑपरेटर है, यहाँ पे घटाव गुना भाग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बीज गणितीय फंक्शन या बीज गणितीय एक्सप्रेशन, और इसी के बराबर करके कुछ लिख दे, जीरो लिख दे, छः लिख दे, तो ये हो जाएगा एक समीकरण, इक्वेशन, ठीक है। अभी था मतलब कि जो बराबर वो खींच करके नहीं दिए थे, तो ये था आपको व्यंजक, ठीक है, एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे। लेकिन जैसे बराबर के कुछ लिख दिए, आठ नौ दस कुछ भी लिख दिए, तो ये हो जाएगा इक्वेशन, समीकरण, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे ये सिक्स एक्स है, ठीक है। अब सिक्स एक्स है तो मैं कहूँगा कि एक्स बराबर आपको चार है, तो सिक्स एक्स का मान निकालिए, मतलब एक्स बराबर मैं कह दिया कि चार है, बता दिया हूँ, ठीक है। तो हम सिक्स एक्स का मान निकालते हैं, तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि सिक्स एक्स यानी कि सिक्स एक्स है तो सिक्स के बाद एक्स के बाद चार लग देते, यानी कि सिक्स एक्स का मान 64 है, ये गलत हो गया, ठीक है। यानी कि एक्स के बाद चार रखेंगे, जैसे यहाँ पे हम अगर चार रख देते हैं, यहाँ पे अगर चार रख देते हैं, यानी कि एक्स के बाद चार है कि नहीं, तो यहाँ पर चार रख दे गलत हो गया, यानी कि सिक्स एक्स का वैल्यू 64 कभी नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर, तो देखो ना, बता रहे ना, तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, जैसे सिक्स एक्स है और एक्स बराबर चार बोला हूँ, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन गुणा वाला है, ये दोनों के बीच गुणा छिपा हुआ है, इसको कोफिशियंट बोलते हैं। यानी कि एक्स मतलब जब भी चर और अचर साथ मिला रहेगा ना, ठीक है, ये नहीं, इसको मिला हुआ नहीं बोलेंगे, बल्कि इसके बीच में गुणा को गायब कर देंगे, इसको गायब कर देंगे, इसको गायब कर देंगे, और तब इसको बोलेंगे, देखो ये क्या है, ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या कि ये टर्म है, टर्म फिर टर्म मतलब एक और पद बोलेंगे, तो बात की बात है, फिर आगे बताऊंगा। तो इसमें तो ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है, आपको एक क्या बोलते हैं, गुना वाला, ठीक है, इसके बीच में जोर रहेगा तो जोर का रिलेशन रहेगा, लेकिन कोई भी चिन्ह नहीं दिया रहेगा,
ठीक है, तो समझिए इसके बीच में गुणा वाला और रिलेशन है, यानी कि यहाँ पे हम सिक्स एक्स बराबर चार है, तो यहाँ पे हमको सिक्स एक्स का मान निकालना है, तो सिक्स गुने एक्स लिखेंगे और एक्स के जगह पे हम चार लिखेंगे, यानी कि सिक्स एक्स का वैल्यू 24 आ जाएगा, न कि 64, ठीक है, तो समझ गए। तो ऐसा जब भी लिखा रहेगा दो चीज़, जैसे कि ये लिखा हुआ है, क्या हो गया भाई, हट गया, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो ई है इसको कोफिशियंट बोलते हैं, कोफिशियंट एक्सप्लेन कर दूँ क्या, लो लिख देता हूँ कोफिशियंट, ठीक है, तो ये कोफिशियंट इसको याद कैसे रखिएगा, हाँ कॉफ़ी से याद रखिएगा, कि कॉफ़ी कभी भी आप लोग मतलब जल्दी पीते हैं ना, आगे पीते हैं, तो ये जो ये चर वाला जो है, ये चर है, इसके आगे जो भी रहेगा उसको कोफिशियंट पढ़ेंगे। अब कोफिशियंट का हिंदी होता है गुणांक, ठीक है, तो गुणांक यानी कि एक्स के आगे जो भी चीज़ रहेगा उसको गुणांक पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, क्या लाल बेकार भत्ता लग रहा है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे सात एक्स हैं, तो यहाँ मैं पूछूंगा एक्स का कोफिशियंट क्या है, आपको ये सात है, ठीक है, समझ गए, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला होता है उसको बोलते हैं कोफिशियंट। एक और क्वेश्चन करूँ, चलिए ले दीजिए, हटना भाई, बार बार यही आ जा रहा है। चलिए एक और देखिए क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे कहूँगा एक्स का कोफिशियंट क्या है, तो आपको सर यहाँ बता के कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो जब भी कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो एक छिपा रहा था, यानी कि एक्स को आप एक गुने एक नहीं लिख सकते हैं क्या, एक गुने एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स के आगे एक छिपा हुआ है, तो एक्स का कुछ भी कोफिशियंट यानी कि आगे कुछ भी नहीं दिया रहेगा, तो इसका हो जाएगा आंसर कोफिशियंट एक हो जाएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको आगे पढ़ना है, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सिलेबस एक्सरसाइज बनाइए, जो भी डाउट होगा तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, तब मैं आपको सोल्यूशन बना सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने मन से वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि क्या क्या बताना, मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ बताते चल जा रहा हूँ, और उसमें रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है अपने माइंड में आ रहा है उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपसे, ए भाई हटना, हाँ जैसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन किया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस एक्स, आप कहोगे कि एक्स का कोफिशियंट क्या है, तो कहिए सर इसके आगे तो माइनस है, तो कोई अंक तो दिख ही नहीं रहा है, इसका कोफिशियंट क्या होगा, तो इसका कोफिशियंट इस बार माइनस एक हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे, क्योंकि आप एक्स माइनस एक्स को माइनस एक गुने एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ एक्स के गुणांक में क्या है, माइनस एक है, इसलिए इसका कोफिशियंट माइनस एक हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे एक कोई भी संख्या लिखा हुआ है, कोई भी संख्या लिखा हुआ, ठीक है, जैसे मेरे सामने एक संख्या लिखा हुआ है पाँच, तो पाँच है तो इसके आगे कुछ ना कुछ चिन्ह जरूर दिया होगा, कि सर इसे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, तो जब भी कोई चिन्ह नहीं रहता है ना, इसके आगे प्लस मान लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस चार, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, ठीक है, और दुर्भाग्य से ये घटाव का चिन्ह नहीं दे, सीधे चार लिखा रहा है, तो इसके आगे पूछे कौन सा चिन्ह है, तो आप बताइए प्लस है, ठीक है, तो जब भी किसी अंक के आगे कोई चिन्ह नहीं दिया रहता तो हम लोग उसको प्लस मानते हैं, ठीक है, प्लस में गिना जाता है, जितना समझ गए आप, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे कुछ बताते हैं, ठीक है, तो अभी क्या क्या बता दिए हैं अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, बीजगणितीय व्यंजक में बताया कि वो तीन चीज़ से मिलकर बनेगा, एक होगा कोई संख्या, दूसरा कोई होगा कि ए बी सी डी में कोई भी, जैसे वाई, और कोई एक ऑपरेटर यानी कि प्लस माइनस गुना, प्लस माइनस गुना भाग में से कोई एक ठो आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया प्लस, तो ये आपको हो गया क्या, एक व्यंजक, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। अब बात है टर्म की क्या होता है, टर्म से पहले हम आपको एक क्या बताते हैं, टर्म बता देते हैं, चलिए जैसे टर्म का होता है ना, जैसे कि टू लिखा है तो ये एगो टर्म है, टू के साथ एक्स लगा है तो ये भी एगो टर्म है, लेकिन जैसे टू के प्लस अब छः लिख दिया तो ये दो गो टर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें कहेगा, जैसे एक क्वेश्चन है आपसे, क्या क्वेश्चन है, सिक्स एक्स, कैसे लिखा रहा है, सिक्स एक्स प्लस छ फोर, नहीं नहीं
एक्स स्क्वायर इस टाइप से। तो कहेगा इसमें कितना टर्म है, तो आप आसानी से बता दीजिए कि देखिए एगो ये टर्म हो गया एक टर्म और दूसरा दूसरा टर्म, ठीक है समझ गए। तो इसमें क्या ये सब टर्म है, ठीक है। चलिए अब बताते हैं आपको, आप ये सोच रहे हो कि सर जब ऐसा रहेगा तो क्या कहेंगे, कितना टर्म कहेंगे। तो ऐसा रहेगा जैसे कि ऐसा है 6x + 7x, तो ऐसा रहेगा तो सर कितना टर्म कहेंगे, दो टर्म कहेंगे क्या, इसको दो टर्म नहीं कहेंगे, एक ही टर्म कहेंगे, ठीक है। कहने के लिए इसमें दो टर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसको एक टर्म बना दिया जाता है, अब कैसे। तो चलिए इसके लिए आपको एक लाइक एक्सप्रेशन होता है, एक ऑनलाइन एक्सप्रेशन होता है, यानी कि समान जातीय व्यंजक और असमान जातीय व्यंजक। तो पहले सबसे पहले सुनते हैं क्या हो गया, फोटो भी देख लिए होंगे आप, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको पहले बताते हैं लाइक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन शॉर्टकट में काम चलाने के लिए, इसका हिंदी हो जाता है समजातीय, समजातीय, और एक्सप्रेशन का हिंदी होता है व्यंजक, क्या होता है व्यंजक, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ किसको लाइक एक्सप्रेशन या समजातीय व्यंजक कहेंगे। जैसे ये लिखा है 6x, ये है 7x, 9x, ठीक है। तो जब भी आपको ये अंक नहीं देखना है, ठीक है, तो जब सर देखना क्या है, तो देखना है चौर, यानी कि इसमें चौर कौन सा है, एक्स है, मतलब इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, इसमें वेरिएबल एक्स है, यानी कि सबका वेरिएबल एक्स एक्स वाला है, यानी कि इसका जो जाति है वो एक्स है, इसका भी जाति एक्स है, इसका भी जाति एक्स है। जब समान जाति रहेगा तो उसको बोलेंगे समजातीय व्यंजक, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे लिखा हुआ है 6x + 8x, तो इसको बोलेंगे समजातीय व्यंजक, यानी कि लाइक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है समझ गया। चलिए एक और चीज़ बताते हैं, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है, चलिए हरे कलर करते हैं, जैसे यहाँ पे है 4x - 2x, तो ये भी क्या है आपको समजातीय एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि इसका चौर वाला देखिए दोनों सेम है, चीन क्या है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चीन जोड़ हो घटाओ हो गुना हो भाग हो, बस एक्स जो है यानी कि चौर जो है वो समान होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि क्या लिखा गया, जैसे 4z - 6z, तो ये क्या है भी समान जातीय एक्सप्रेशन है, यानी कि ये लाइक एक्सप्रेशन है, ठीक है, समजातीय व्यंजक है। इसे मैं ऐसे दे दूँ तो ये अब समझाती नहीं रह गया आपके, सर यहाँ भी तो जेड है, यहाँ भी जेड है, लेकिन यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, काफ़ी अंतर है, तो इसको समझाती नहीं बोलेंगे, तो समझाती को उल्टा हो जाता है बीजातीय, यानी कि ये बीजातीय एक्सप्रेशन है, यानी कि ये ऑनलाइन एक्सप्रेशन है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। आपके सर तो समझाती और क्या बोलते कि बीजातीय यानी कि लाइक एक्सप्रेशन और ऑनलाइन एक्सप्रेशन जानने से फ़ायदा क्या हुआ, तो फ़ायदा ये तब हुआ कि आपको जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नियम क्या है, नियम है यही आपको कि समजातीय एक्सप्रेशन जो रहेगा यानी कि समजातीय व्यंजक उसको आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है, और विषमजातीय व्यंजक है उसको आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 4x लिखा हुआ है और यहाँ पे 5x लिखा हुआ है, तो देखिए ये क्या है, ये भी क्या है लाइक एक्सप्रेशन है, ये भी लाइक एक्सप्रेशन है, यानी कि समान जातीय एक्सप्रेशन है, समान जातीय एक्सप्रेशन है, यानी कि इसका देखिए जाति ही एक है, इसका भी जाति ही एक है, जब दोनों का जाति ही एक है तो दोनों क्या करता है आपस में जुड़ता है, ठीक है, यानी कि जब दोनों एक्सप्रेशन सेम रहेगा, ठीक है, लाइक फ्रिक्शन रहेगा, लाइक एक्सप्रेशन रहेगा, लाइक मतलब कि सजातीय व्यंजक रहेगा, तब उसके बीच में आपस में जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। गुना भाग तो किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाव के लिए आपको समान जातीय एक्सप्रेशन व्यंजक होना ही चाहिए, ठीक है, तब ये दोनों को जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो पहले कॉन्स्टेंट जो है यानी कि जो फिक्स रहने वाला संख्या है, ठीक है, यानी कि जो नॉन वेरिएबल है, यानी कि नॉन वेरिएबल है यानी कि जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको सबसे पहले जोड़ेंगे। सर उससे पहले भी तो कुछ जोड़ जाते हैं, हाँ, इससे भी पहले चीन जोड़ रहा था, जैसे इस 4x लिखा है ना, तो इसके आगे कोई ना कोई चीन जरूर होगा, तो क्या चीन होगा, तो सर कुछ भी चीन नहीं दिखाया जा रहा था, प्लस चीन है, यानी कि इसके आगे प्लस चीन है, फिर हट गया, क्या हो जा रहा है,
चार एक्स पाँच एक्स, ठीक है। जैसे ये चार एक्स के आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस चार एक्स के आगे है आपको प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अब एक और चीज़ बताना है कि प्लस को प्लस में जोड़ते हैं ना, ठीक है, आगे बताते हैं। देखिए जैसे आपको जोड़ करिए, बताते हैं प्लस को प्लस में जोड़िएगा तो आपको प्लस आएगा, घटाव को घटाव में जोड़िएगा तो माइनस आएगा, और बाकी गुणा जोड़ के लिए अलग तरीका है, ठीक है। आप कहिए सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, घटाव को जोड़ के साथ जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, तो अगला टर्म बताते हैं अगला स्लाइड में। जैसे घटाव को हमको जोड़ के, मतलब कि घटाव को जोड़ के साथ जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो जब इसको जोड़िएगा ना तो इसमें दोनों में से किसी का भी चिन्ह आ सकता है, लेकिन कौन किसका चिन्ह जल्दी आएगा, जो ज़्यादा ज़्यादा लाइक किया गया रहेगा। क्या बता रहा हूँ, नींद आ रहा है मेरे को, ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। से ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो उसका चिन्ह ज़्यादा आएगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसी का चिन्ह उतरेगा। सर नहीं समझ में आया, तो क्वेश्चन देखो ना तब समझ में आएगा। देख क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन चार एक्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दस एक्स, अब आंसर क्या लिखे। आप कहे सर चिन्ह अलग है, यहाँ पे चिन्ह देखो घटाव है, यहाँ पे चिन्ह जोड़ है, कौन सा चिन्ह, ये हट कहा जा रहा है, इधर कुछ है लगा हुआ, जैसे चार एक्स घटाओ दस एक्स, ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है। आप कहिए सर यहाँ पे चार एक्स है, यहाँ पे घटाओ दस एक्स, दस एक्स है, लेकिन हमको क्या है इसको घटाना है, और घटाने के लिए नियम सिस्टिफाई दे, क्योंकि ये भी समान जातीय एक्सप्रेशन, ये भी समान जातीय एक्सप्रेशन है, लेकिन घटाएंगे कैसे, तो घटाने के लिए कि पहले चिन्ह को घटाया जाता है, तो इसका चिन्ह क्या है, आगे प्लस है, इसका चिन्ह है घटाव, तो जब भी तुमको घटाव और जोड़ रहता है तो तुमको क्या बताया कि हमको क्या करना है, तो घटाव और जोड़ रहेगा तो क्या, दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा वह चिन्ह उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चार एक्स है, यहाँ पर दस एक्स है, तो यहाँ पर चिन्ह हटा कर देखिए चार एक्स ज़्यादा है कि दस एक्स ज़्यादा है, तो आप कहिए सर दस एक्स ज़्यादा है, तो दस एक्स ज़्यादा तो दस एक्स का चिन्ह पहले आ जाएगा, ठीक है, समझ गया, तो दस एक का चिन्ह पहले आ जाएगा, यानी कि दस का यानी कि घटाव का चिन्ह पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद जोड़ का है, तो जोड़ का चिन्ह इसमें रहेगा ही, जोर है तो जोर का इस टाइप से देखिए, रुके रुके, तो घटाव का चिन्ह पहले आ गया, इधर जोर का चार एक्स हो गया। अब आप दिमाग लगाइए, यहाँ दस एक्स है या जोर चार एक्स है, तो इसको जब घटाइएगा ना, जब अलग अलग चिन्ह आता तो हम लोग घटाते हैं, ठीक है, और घटाने पर जो चिन्ह बड़ा होता है, घटाने पर जो बचता है ना, जैसे कि चार में दस में से चार घटाएंगे तो छः एक्स बचेगा, लेकिन इसमें चिन्ह ज़्यादा संख्या कौन बड़ा है, तो दस एक्स बड़ा है, इसलिए दस का माइनस छः एक्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, बाकी मैं पार्ट टू करके ऐसे कुछ बता दूंगा, वीडियो लंबा बहुत बन रहा है ना। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, छः एक्स माइनस बारह एक्स समान जाती है, ठीक है, तो क्या करें, पहले चिन्ह को घटाएंगे, प्लस है माइनस है, तो जब भी प्लस माइनस घटाया जाता है तो माइनस होता है, नहीं माइनस नहीं होता है, जो चिन्ह ज़्यादा रहता है वही होता है। यहाँ पे दोनों में ज़्यादा कौन है, छः एक्स ज़्यादा है कि बारह एक्स ज़्यादा है, ठीक है, तो बारह एक्स ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा बारह वाला चिन्ह, यानी कि इसका चिन्ह आ जाएगा घटाओ, और बारह से छः घटाएंगे तो छः एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ गए आप, ठीक है। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर घटा कर बताइए क्या आएगा, छः एक्स माइनस सात वाई स्क्वायर, तो आप इसमें घटाइए, तो सर देखिए यहाँ पे चिन्ह चर देखिए अलग है, इसमें चर अलग है, जब चर अलग अलग है तो इसमें क्या है कि कोई पार्टिकुलर क्या दिमाग है, जब चर अलग अलग है तो क्या आपस में नहीं जुड़ेगा, नहीं घटेगा, हाँ गुना भाग हो सकता है, ठीक है, लेकिन जुड़ेगा नहीं, क्योंकि छः एक्स में आप सात वाई स्क्वायर नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, समझ गए, तो ये कुछ इसका जोड़ नहीं सकते, लेकिन कि इस चीज़ नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। एक और चलिए क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, तो चलिए मेरे को नींद आ रहा है, बाकी मैं पार्ट टू करके वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि नींद में गलती उलती पढ़ा जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी मैं बताया हूँ ये 100% सही बताया हूँ, मैंने इसको पढ़ाने के लिए किताब का भी बहुत साल से हेल्प ले रहा था, ठीक है, तो ऑफलाइन तो मैं भयंकर तेज पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कोई बात नहीं, आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जानते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी सुविधा आपको उपलब्ध कराया जा रहा है।